So, कुछ दिनों पहले जेनिफर जी ने हमसे बात करी थी और अपने दिल की बातें रखी थी जो काफी दर्दनाक थी, अगर मैं सही कहूं तो। सुन के काफी आश्चर्य हुआ। और आज बहुत सारे दिन हो गए हैं, आई थिंक 15-20 दिन हो गए हैं उस बात को, और आज हम लोग जेनिफर से वापस बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसी हैं फिलहाल और क्या चल रहा है लाइफ में। पहले तो ये पिछले 20 दिन में ये मेरी लाइफ ही चेंज हो गई एकदम. आई वाज नेवर सो ऑक्यूपाइड बिकॉज एवरी सिंग मतलब फर्स्ट डे तो आई गॉट एटलीस्ट मोर देन 100 कॉल्स फ्रॉम ऑल द चैनल्स. बट उस दिन मैंने 11 घंटे इंटरव्यू दिया. नेक्स्ट डे अगेन ऐसे करके फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि गोइंग रिपीटिंग द सेम थिंग गोइंग थ्रू द सेम मेंटल ट्रॉमा अगेन एंड अगेन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेक लिया बिकॉज मैं अपने होम टाउन में थी. ये सब जब पेपर में आया और न्यूज में आया तो मैं आई वॉज इन जबलपुर. मेरी जो मेरा ब्रदर जो 9 महीने पहले भी एक्सपायर हो गया, यंग ब्रदर, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी. उसकी डेथ के बाद उसको पता चला एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग. तो उसकी डिलीवरी थी तो उसके लिए मैं वहां गई थी. तो दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एट दैट टाइम. कि अभी तो जो भी है तो मैं चाह रही थी वहां ये सब ना बाहर ना निकले. अब पर ऐसा वो होना ही था. एक मोमेंट आया कि वो अपने आप वो चीजें निकल गई. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लास्ट 10 डेज वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट टाइम क्योंकि मेरे को सब चीज बार बार वही बोलना पड़ा. मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई एंड एवरीथिंग. बट थैंकफुली फिर सब ओके होके आई वॉज बैक इन मुंबई एंड अभी बस थोड़ा इजी लेके कर रही हूँ क्योंकि ना मैं भी बार बार वो चीज रिपीट नहीं करना चाहती वैसा. नहीं, सही बात है। और सो भाभी की बेबी आ गई। अरे हाँ जी हाँ बेबी आ गई. थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू. दैट, एंड आई होप या दोनों अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से. एंड इट्स शी इज अ ब्लेसिंग. आई फील लाइक वो जिस तरीके से आई है. एंड मैं मेरी बुआ की सबसे ज्यादा फेवरेट थी. तो हाँ मेरी बुआ का नाम था रोशन अच्छा। एंड आई टोटली बिलीव ये सीरियल मुझे उनकी ब्लेसिंग से ही मिला है क्योंकि मैं 7 मार्च 2008 को मैं उनसे प्रेयर कर रही थी. उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन 7 मार्च को, मेरी अच्छा मैरिज एनिवर्सरी. तो मैं उनको प्रेयर कर रही थी कि रोशन को ही कुछ इतने साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है. तो उनने मुझे और उसी दिन मुझे तारक मेहता से रोशन का कॉल आया. तो अरे वाह, पहले तो ये हुआ. फिर 7 मार्च 2023 मतलब एग्जैक्ट 15 ईयर्स बाद मेरा तारक मेहता में लास्ट डे था. एंड आफ्टर दैट दिस लिटिल गर्ल इज बॉर्न जो मेरी भाई की बेटी है. एंड इतफाकन नाम मैंने ही रखा है लेकिन मतलब पहले मैंने उसका नाम रखा था रशना लेकिन मेरी भाभी को उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि पारसी नाम रखना था. देन जी आई गूगल्ड एंड सडनली आई फाउंड दिस नेम विच इज मैंने तो पहले रख दिया और मेरी भाभी को बहुत अच्छा लगा. ये नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि मैं उसका नाम रोशन आरा रखा है. तो अरे आई वाह, आफ्टर कनेक्शन। चूजिंग रोशन आरा आई आई के दैट इज अ पारसी नेम. आई केम गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई ब्रदर लाइक कि ये नाम उसने सिलेक्ट किया है. एंड देन आई हैड लाइक ओ माई गॉड, पहले मेरी रोशन खोई गई तो मैं रोशन बन के आई, फिर मैं रोशन गई तब ये रोशन आ रहा आई. तो शी विल बी लाइक माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट गर्ल. तो फेवरेट बुआ, फेवरेट भतीजी। ओके, या चलिए अब आपकी बात करते हैं। सो इन 15-20 दिनों में क्या क्या हुआ, जो आपने एक्सप्लेन किया कि तबीयत खराब हो गई है ना, किस तरह से? पहली बात, उस बाकी लोगों का रिएक्शन क्या थे? कलीग्स मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द कलीग्स एंड एवरीथिंग. शो रिलेटेड एंड एवरीवन, लाइक योर इन योर फैमिली एंड ऑल। सो फैमिली को तो ये था मैं सी मोस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल तो न्यू कि आई हैव डन दिस क्योंकि जब मैं करने जा रही थी मैं तब मैंने बताया था. मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ मालूम ही है. मयूर इज द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन माई लाइफ. मेरे इन-लॉज को भी जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा मुझे इन-लॉज के लिए डर लग रहा था कि क्या रिएक्ट करेंगे. बट मेरी मदर इन लॉ को मैंने जब बताया और उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बताया सब चीज तो आई वॉज थोड़ा सा लिटिल स्कैर्ड के पापा क्या रिएक्ट करेंगे. तो वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला जेनी उसी टाइम पे तुमको चप्पल निकाल के मारना चाहिए था, तुम चुप क्यों थी, हम हमेशा तुम्हारे साथ है. मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी ऐसे बोला कि हम तुम्हारे साथ है हमेशा ऐसे करके. तो ये जो है सडनली कुछ क्लोज फ्रेंड्स को भी मालूम था. मैं ये नहीं करना चाह रही थी चेतना, ये जबरदस्ती मजबूर किया गया करने के लिए क्योंकि मैंने सिर्फ इन लोग ने मेरे को धमकाने के लिए जैसे लेटर भेजा, मैंने उसका जवाब दिया जस्ट व्हाट्सएप पे. फिर उन्होंने और बोला मैं मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती. फिर मैंने नॉर्मली फिर मैंने उसको ये भेजा, मेरे को चाहिए होता तो मीडिया और सब चीज कर देती है. फेयर भी नहीं किया मैंने, मीडिया भी नहीं किया. बट इन लोग फिर इस चीज को आगे बढ़ाते गए वो. यूनिवर्स का अपना अलग आई टोटली बिलीव कि ना
कर्मा होता है हर एक का, जो यू नो स्वभाव बाहर आता है. तो अफकोर्स जो जब तक ये मैंने किया है, ये यूनिट मेंबर्स किसी को मालूम नहीं था. दो तीन जन जिन्होंने मेरे को कॉल किया था, जिनको मैंने बताया था, दे वर शॉक देन के क्या कर रही हो, ऐसा शो का सोचो, ये वो. मतलब मैं शो का, मेरे कंट्रोवर्सी से मैं चाहती हूँ शो को बेनिफिट ही हो. मैं नहीं आना चाहती वो अलग बात है, मैं अब नहीं आऊंगी वो अलग बात है, बट मेरी वजह से शो को कुछ नहीं होगा. आई टोटली बिलीव कि वो उसमें अच्छा ही हो. बट द थिंग इज, मैं 15 मतलब यू नो 15 में से शुरू के 10 साल तो उतना कुछ खास हुआ नहीं. हमेशा लोगों को यही कहना होता है कि आप अभी क्यों बोल रहे हो. तो अभी मतलब 2018 तक कुछ नहीं हुआ. इट वॉज एवरीथिंग वॉज गुड. 2018 से जो मेंटल हरासमेंट चालू हुआ, और 2019 में जो आसिफ जी ने कुछ सेक्सुअल बातें बोली, जो ये सब चालू हुआ, उसके लिए भी मैंने उस टाइम पे बोला मुझे छोड़ना है. तो मुझे बोला कि आपका 6 महीने का पैसा रोक लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा हमको, जब तक दूसरी रोशन नहीं मिलेगी, आपको बुलाएंगे कि भी नहीं, अभी नहीं मालूम. मतलब मैं आऊंगी भी नहीं, सिरे में हूं भी नहीं, बाहर भी काम नहीं कर सकती, पैसा भी नहीं मिलेगा. मुझे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग. ये उनका तरीका होता है डराने का. तो एनीवेज वो ये होके, तो कुछ कलीग्स ने मतलब कह रहे यार क्या कर रहे हो ऐसा ये वो. मतलब देख भाई अभी बहुत हो गया है. आई हैव टू यू नो स्टेट द फैक्ट्स. अभी भी मैं आसिफ जी, सोहेल, जतिन तीनों के प्रति बहुत न्यूट्रल है. जो स्पिरिचुअलिटी, आई टोटली बिलीव व्हाट आई एम डूइंग इज बीन गाइडेड बाय द यूनिवर्स. हमेशा मेरी लाइफ में ऐसे हुआ है, जो भी चीज ना हमेशा भगवान ने ही सिलेक्ट किया. मैं हमेशा सरेंडर कर देती कि ओके भगवान जो आप चाहें वो करें. अभी भी मैं नहीं चाहती कि उनको कोई सजा हो या कुछ हो. उनको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ, उनको मालूम है. क्यों उनकी तरफ से एक भी रिएक्शन नहीं आ रहा? क्यों सिर्फ पहले दिन रिएक्शन आया, उसके बाद एक भी दिन, आज 21 दिन हो गए, एक भी रिएक्शन नहीं आया? क्योंकि दे नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी. क्योंकि मैंने मतलब मैं बहुत डरपोक थी बेसिकली कहा जाए तो, और मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और सडनली फिर मालव आ गया. मालव को कोई इसमें जरूरत नहीं थी आने की, बस उसको जो भी बुरा लगा कि यार बिना मतलब कि इसका गलत चीज बोल रहे, ये नहीं था. विच ही नोज बहुत बार मालव और मेरे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हुए हैं एवरीथिंग. कोई ऐसा हमारी है ना ऐसे, लाइक प्रिया इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मालव इज अ गुड फ्रेंड, लाइक यू नो. बट मस्ती हम दोनों मस्ती ज्यादा करते थे, बट ऐसा नहीं कि हम कभी यू नो कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं होगा कि मैंने मालव को कुछ पर्सनल चीज के लिए फोन किया होगा. ऐसा फ्रेंड नहीं था वो, लेकिन ही वॉज ऑलवेज देयर. सेट पे हमेशा मस्ती होती थी. और मालव मालव तो ऐसा था कि यार उसको तो मतलब यू नो सब कोई इतना प्यार करते, मतलब एवरी वन वॉन्टेड मालव ओनली. ओ मतलब मालव ही चाहिए, मालव भाई सब उसको इतना प्यार करते थे. ये बड़ी आयरोनिक चीज है कि यार जब उसने मेरे लिए बोलना स्टार्ट किया, अभी सब लोग ने उससे भी मुंह फेर लिया, उसके खिलाफ बोलने लगे कि क्यों जेनी का साथ दे रहा है. वो तो खुद भी कितने बार बोलते थे कि जेनी लेट आई है, तो लेट आई है तो ठीक है, अकेले मैं नहीं लेट आती थी, कभी होता है बहुत लोग लेट आते थे. तो वो उसने वही चीज फैक्ट बयान किया, लेकिन उसके खिलाफ भी हो गए लोग. वो उसका ये एक बात बोलू चेतना, कि अगर मालव होता ना ये पूरा चीज ही नहीं हुई होती, बिकॉज ही वाज अ वेरी बैलेंस्ड डायरेक्टर. वो क्या करता था कि वो सबको खुश रखता था वेरी स्वीटली. तो अगर मेरा जो सारा इश्यू हुआ है उस दिन, थोड़ा सा यू नो मुझे जो जाना था 2 घंटे के लिए मेरी बेटी के साथ होली खेलना था, उसके कारण हुआ है, ये मालव ऐसे कर देता. लेकिन बाकी जो 3 जन थे, स्पेशली 2 जन जिनसे मेरी बात हुई थी, हर्षद सर और ऋषि, इन लोग ने हाँ बोल के फिर जो ना हुआ, मैंने सब कुछ कर लिया कि मेरे को 2 घंटे में आ जाती हूँ, मैं कल आ जाती हूँ, सुबह 7 बजे तैयार मिलूंगी आपको, आप मेरा क्लोज कार्ड दो, सब कुछ कर लिया था. लेकिन उन लोग ने नहीं है, जिसके मालव होता ना वो चीज एकदम सॉल्व हो जाती है. बड़ी बात होती ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि वो हमेशा सबके लिए सोचता था, पूरी यूनिट के लिए सोचता था, वो एक्टर के लिए भी सोचता था, लाइटमैन के लिए भी, कैमरामैन के लिए भी, मेकअप, एवरीवन. तो बट ठीक है, शायद भगवान चाहता था कि मालव पहले निकल जाए, और मेरे सपोर्ट के लिए वो भगवान ने यू नो पहले ही करके रखा था. तो मालव आया. प्रिया इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हम दोनों बहुत मतलब हम दोनों की बात होती है कई बार, यू नो होती है तो बहुत दिनों तक होती है, स्पेशली अबाउट स्पिरिचुअलिटी या फिर उसके बेटे अरदास के बारे में, ऐसा कुछ हमारा चलता रहता है. बिकॉज लाइक एक टाइम पे था उसके, शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मैंने उसको, मेरी जो गुरु है उनसे इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसने रेकी सीखी, एंजल्स कार्ड रीडिंग सीखा, बहुत सारी चीजें. शी इज ऑल्सो इंटू स्पिरिचुअलिटी, तो वो हमारी लंबी लंबी बात होती थी. मोनिका से तो एक्चुअली मेरी मतलब हम जो सेट पे मिले हैं उतना ही, वो भी हेलो हाय
मतलब दो चार बार ही हम थोड़ा बहुत बैठ के बात किए, पर्सनल पर्सनल एज सच कुछ रिलेशनशिप नहीं थे। एक बार की बात याद आई मुझे इस बात पे, सितंबर 2018 की बात होगी, सितंबर या अक्टूबर 2018, मतलब जस्ट मोनिका के जस्ट छोड़ने के पहले, 2018 था कि 2017 था मुझे ध्यान नहीं है। तो उस टाइम पे मोनिका और मैं ऐसी बात कर रहे थे, नवरात्रि का शूट चल रहा था हमारा, हम दोनों बात कर रहे थे और सडनली आसिफ जी आए और उन्होंने गुस्से से मुझे बोला, ये क्या फालतू तो लोगों के साथ बैठ के मत बात किया करो, चलो चलो उधर बैठो। तो मैं ऐसे देखने लगी, कौन फालतू, मतलब मैं तो मोनिका के साथ बैठी हूँ, इसे क्यों बोल रहे हैं। तो उनने गुस्से से मोनिका को कुछ बोला समथिंग के मेरे दूसरे आर्टिस्ट को मत भड़काओ, ऐसा कुछ बोल के चले गए। फिर उसको कॉर्नर में भी ले जाके कुछ डांटा। बस दैट वॉज द लास्ट यू नो टाइम आई मेट मोनिका। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, बाद में पता चला उसने छोड़ दिया क्योंकि उसकी मम्मी एक्सपायर हुई। बाद में पता चला है कि इनका ये ऑलरेडी पंगा चल रहा था, पैसे नहीं दे रहे थे, ये वो और सब जो भी हरास कर रहे थे, जिसके कारण वो कर रही थी, जिसके कारण कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। अब हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता तो कैसे करे। तो बट शी वाज आल्सो लाइक, जब उसने मुझे बोला कि जब मेरी सब बातें बाहर आई, उसको पूछा गया तो उसने बोला कि जेनी जी मेरे को जब मैंने छोड़ा था तो मैं चाहती थी ये बात यू नो बाहर निकले, संभव नहीं निकली। तो मेरी सिस्टर ने बोला देखो एक दिन ऐसा होगा कि आदमी की सब बातें निकलेंगी। बोले जब आपकी न्यूज मिली और मुझे पूछा गया तो मैंने बोला ओके आई हैव टू से, बिकॉज जस्ट वो यू नो माँ अवतार बाबा के दर्शन, गुफा के दर्शन करके आई थी। बोले क्या हो रहा है बाबा जी ये क्या, एंड आई टू फेल्ट माँ अवतार बाबा इन माई यू नो आई हैड गूज़बम्प्स कि वो हमारे साथ हैं, कि हम सच सही कर रहे हैं, सच कर के लिए खड़े हैं। तो मोनिका ने जो जो भी किया तो वो भी उसको भी यू नो उसके साथ भी गलत हुआ है। गलत तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, वो उन लोग खुद नहीं बोलना चाहते वो अलग बात है, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं बोलेंगे, दैट्स टोटली फेयर, क्योंकि शायद मैं भी होती चेतना तो नहीं बोलती वहाँ यू नो, लेकिन यूनिवर्स ने अभी मजबूर किया है इस चीज को बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है मेरी किसी से कोई मुझे दुख भी नहीं, जो बार बार आ रहा है ना, मैंने पढ़ा न्यूज में कि बार बार आ रहा है कि जेनिफर इज वेरी अपसेट कि माई कलीग्स आर नॉट यू नो लोग सेइंग, बट आई एम नॉट नॉट एट ऑल अपसेट, नॉट एट ऑल नॉट इवन एस्टॉनिश्ड, आई वॉज अपसेट यस when one of the persons spoke against me, that I was upset कि I cannot even imagine he was the closest to me, कैसे against बोल सकता है। भाई तू मेरा साथ नहीं दे रहा मत दे, तू गलत चीज नहीं बोलना। बाकी कोई नहीं बोल रहा है, सब अच्छे ठीक है, they are working, I know उनका bread and butter, उनका घर चल रहा है, उनके loans है, everything, and they will be with their family, with इतना बड़ा serial को हाथ से निकलना, I totally understand that thing, but don't say against me, at least also after knowing the truth, when you know each and every word I've said is करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो स्टेटमेंट आया था ना प्रोडक्शन हाउस से, और मैंने मालव का भी इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि वो गाड़ी आप रैश ड्राइविंग करती हैं ऐसा वैसा, उन्होंने सीधा मना किया था कि मैंने तो कभी नहीं देखा। सो ये जिसने सपोर्ट किया है ना उसने हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया है आपको। और मोनिका ने भी बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई कि जिसे सुनकर अब मैं शॉक हो गई। और मैंने जो जो जितने मैंने इंटरव्यूज किए हैं इस केस से रिलेटेड, मैंने एक चीज कॉमन पाई कि सबके पर्सनल लाइफ पे इस पे ज्यादा अटैक हुआ है। यस, तो उन लोग वही क्या करते थे, देखो प्रोफेशनल तो वो करते ही थे, जैसे इंक्रीमेंट, मैं मेरी बात करूं तो आई नो अबाउट प्रिया, प्रिया का तो शायद 7 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आई रिमेम्बर मालव का भी एक टाइम पे बहुत इशू है इंक्रीमेंट के पीछे, फिर हुआ था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे पता था कि कुछ ना कुछ हुआ था। देन काफी लोगों का इंक्रीमेंट और ये सब चीजें तो होती, क्योंकि वो जो उनकी आंख के तारे लोग हैं ना, जिनके बिना उनको लगता शो नहीं चलता, उनका वो अच्छे से करते हैं अपने हिसाब से। तो वो लोग उनके यू नो आगे पीछे घूमते हैं, उनको उसमें ही खुश होते हैं, वो पूरे टाइम तारीफ उनकी करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है ना कि इनको they all of them had sadist mentality, उनको personal life भी हमको enjoy नहीं करने देनी थी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो जितनी बार मैं अगर बाहर जाने गई हूँ उतनी बार मेरे को आसिफ जी का फोन आया, आज मत अभी मत जाओ, मतलब मैं जा रही हूँ 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है और आउट ऑफ इंडिया में जा रही हूँ, उनको बोले नहीं नहीं अभी मत जाओ मैं एक एपिसोड ला रहा हूँ। मतलब ये हर बार हुआ है, मतलब 6 से 7 बार हुआ होगा इतने साल में। या फिर वापस, जैसे मुझे तो मालदीव से सोहेल ने वापस बुलाया है, 3.5 दिन में मुझे वापस बुलाया है और एक लस्सी पीने का सीन करा के मुझे 12 दिन घर पे बैठाया है, यू नो। तो इस टाइप की चीजें, मेरे फादर की डेथ पे मुझे वापस बुलाया था आसिफ जी ने 4 दिन बाद,
और अगेन 2 दिन का शूट करा के 12 दिन में घर पे बैठी। तो ये सब इनका ये समझ में आता है ना, दे हैव दैट सेडिस्ट मेंटालिटी इवन इन दैट केस, और दे डोंट हैव एनी, दे डोंट हैव हार्ट। तो अगर मैं बोलूँ तो जैसे 5 साल मेरी बच्ची के बर्थडे में इन लोगों ने मेरे को रुला रुला के दिया है 2016 से, 2016 में तो मैं उस मेरे बर्थडे पे तब मेरा ट्रैक नहीं चल रहा था, 2017 से अभी तक 22 तक हर साल मुझे रुला के छुट्टी दिए, एक छुट्टी, ओनली वन छुट्टी इन ईयर वो मुझे रुला के दिए। मुझे बोला भी गया कि सीनियर ने आके बोला भी, दे वॉन्ट यू टू क्राई, स्टॉप क्राइंग, दे आर सेडिस्ट। बट मुझे आ जाता था रोना, क्या होता है ना, अब मुझे समझ में आता। मुझे वहां कई लोग बोलते थे आप पूरे टाइम रोती, मैं रोने वाली नहीं थी भाई, यहाँ इतना भर गया था, बोल नहीं पा रहे, यहाँ भर गया, वो आंखों से ही निकलता था, पूरे टाइम आंखों से निकलता था। और मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इन लोग ऑफकोर्स पर्सनल लाइफ पे भी अटैक करते थे, जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिंगापुर में आसिफ जी ने मुझे जो सब चीजें बोली है, यू नो रूम में आ जाओ विस्की पीते हैं, ये वो होंठ तुम्हारे सुंदर है, ये वो, मोनिका को भी इस टाइप की चीजें बोली, तुमको विस्की पीते हो, कौन सी पीते हो, कितने बॉयफ्रेंड है, कहाँ जाती हो, ना ये सब क्या जरूरत है आपको पूछने की, पर्सनल लाइफ है आपकी। एंड मोनिका ने बोला एक बार, मतलब मैंने इंटरव्यू में ही देखा, एक बार उसने आसिफ जी ने बोला था कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तो मोनिका ने बोला कि मना कर दिया, तो इतना उनको ईगो हर्ट हो गया कि मेरे को मना किया तुमने, मेरे को मना किया, मतलब बहुत दिन बाद वो उसको चिल्ला रहे हैं, मतलब उनको बात याद है कि ऐसे कैसे छोड़ दी, यू नो। तो सी आपको भगवान ने दिया है, इतना सुंदर सीरियल दिया, आई टोटली आई विल से ये सीरियल यहाँ तक पहुंचा भी आसिफ जी की वजह से। जी आसिफ जी इज अ वेरी पैशनेट पर्सन इन हिज वर्क, पर वो पैशनेट दखल अंदाजी कब हो जाती है ना, वो डिफरेंस नहीं कर पाते। इट्स वेरी गुड कि आपको सब डिपार्टमेंट में बोलना है, पर आप सब डिपार्टमेंट में बोलोगे तो अगर आप डायरेक्शन में बोलोगे तो वहां उन लोग इरिटेट होंगे, मेकअप में बोलोगे वो इरिटेट होंगे, एडिटिंग में बोलोगे वो, राइटर को बोलेंगे, यू नो हर एक डिपार्टमेंट में आप यू कैन पुट योर इनपुट्स, यू आर अ प्रोड्यूसर। बट ऑफकोर्स ये सीरियल उनके पैशन की वजह से भी आया, लेकिन वहां जो पैशन उनका पैसे कमाते कमाते जो भी सर चढ़ गया ना, वहां वो चीज गलत हो गई कि यू नो जो उनने अपने आप को ना भगवान समझना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरे कारण। मैं मोनिका से मैंने खुद बात की थी, तो उन्होंने बताया कि वो एक बार उनका वेट गेन हो गया था और वो गई तो उनको बोला कि तुम तो प्रेग्नेंट लग रही हो, जब तक तुम अपना वेट नहीं कम करोगी हम तुम्हें तुम्हारा सीन नहीं लगाएंगे। एंड उसकी वजह से वो सर्च वर्च करके दवाइयां खाई जिसका साइड इफेक्ट हो गया और 30 दिन एक इंजेक्शन लिया। देन प्रिया की बात करूं तो प्रिया का भी ये कन्फेशन है कि उनको हमेशा बोला गया कि मालो तो कमाई रहा है आप क्या करोगे करके, एंड बहुत सारी चीजें शोज पे नॉलेज आना ये सारी, तो यू नो प्रोफेशनल पंगेज होते हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सीन्स नहीं लगे, बट ये पर्सनल लाइफ पे अटैक ज्यादा दिख रहा है। इसी पर्सनल लाइफ में ही जैसे मैंने आपको बताया, आपका भी मैंने देखा जिस भाई की डेथ, आई मीन यस मेरे ब्रदर की डेथ पे, जैसे वेंटिलेटर पे है उसको, मैं बोल रही हूँ माई ब्रदर इज ऑन वेंटिलेटर आई वॉन्ट टू गो, मना कर दिया गया मुझे कि हम बोलेंगे तब जाने का, हमारा शूट छोड़ के नहीं जाओगे। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, तुमको समझ में आ रहा है मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मेरा छोटा भाई है यार वो, मैंने उसको 1 साल से देखा नहीं है, मैंने उससे अभी 20 दिन से 12 तब उस टाइम पे 12 दिन हुआ था, मैंने कहा 12 दिन से मैंने बात नहीं की है उससे, वो वेंटिलेटर पे, डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा, लेट मी सी हिम फॉर द लास्ट टाइम। तो उसको जब मैं रोने लगी तो उसको थोड़ा रियलाइज हुआ, तो उसने एक दिन, अगले दिन छुट्टी थी, एक दिन और करके मुझे 2 दिन में नागपुर रुक गया क्योंकि उसको नागपुर ले गए थे क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी। ऐसी मोनिका की मम्मी की डेथ पे ऐसे ही किया गया जो उसको सुनाया गया और उसको बार बार शूट पे बुलाते थे, इनको ना ह्यूमैनिटी नहीं है, दिल नहीं है। ट्रस्ट मी आई विल से ऑलमोस्ट एवरी वन ऑन द सेट यूज टू से कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा इन लोग क्या करें ना, इसकी बद्दुआ इन लोगों को मिलेगी। आसिफ जी खुद बोलते थे कि ये सब लोग मुझे मालूम है बद्दुआ देते हैं और उनको मालूम ये बद्दुआ ही मिल रही। देखो आसिफ जी अभी तक सेफ भी है इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की दुआएं कमाई है, इतने लोगों को हंसाया है कि 200 लोगों का पेट भर रहे हैं वो 15 साल से। हम हमेशा से बात भी करते थे ना कुछ कलीग्स की, यार अगर मैं प्रोड्यूसर होती, हम प्रोड्यूसर होते तो हम ऐसे ही ना हाथों हाथ रखते यार कि यार तुम भी खुश रहो, तुम सबकी वजह से। उनका ये हो गया था कि मेरी वजह से ही शो चल रहा है और तुम्हारे होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जा रहा है ना कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेहा चले गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरुचरण गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाभी गया, राज गया, निधि गई,
यू नो हर एक के जाने पे कोई इश्यू नहीं, हमारा शो तो चलता रहेगा, हमारी टीआरपी तो चलती रहेगी, शैलेश जी तक के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टीआरपी तो वैसे कहां है टीआरपी। पर वही अब वो तो देखो वो चीजें तो अब मैं तो फिर भी बोलूंगी चेतना के ठीक है भगवान करे वो शो चलता रहे, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये केस करने की बात आ रही थी तो मैंने बोला भी था कि यार मेरे को ना वो 200 लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी, अगर ये बात बाहर आई देन दोस 200 पीपल विल ब्लेम मी। तो मुझे तीन चार जन ने बोला था दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट दैट पर्सन, वो उसका कर्म आड़े आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। बहुत सारी चीजें भी और बहुत लोग जो निकल गए हैं उन लोग ने नहीं बोला, दे हैड देयर ओन रीजंस, बहुत सबका एक कॉमन रीजन अगर कहा जाए तो आसिफ जी निकलने का, क्योंकि देयर वाज समथिंग फॉर द अदर गोइंग ऑन। अभी हम चार लोगों से तो बात किए, सबने एक ही रीजन बताया जो आपने मेंशन किया है, तो कॉमन नहीं होगा। एक चीज जेनिफर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मेंशन किया कि साल में एक छुट्टी मिलती थी वो भी रुला के, तो क्या ये वीकली आपका भी सिस्टम नहीं होता है? वीकली हो, अरे बाप रे, मंथली हो नहीं पता चलता है हमको। एवरी सिंगल डे शाम को मैं 6 से 8 बजे के बीच में जतिन को मैसेज करती थी, इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कि जतिन कल शूट है, उसका आता था तुरंत आता था मोस्ट ऑफ द टाइम, नो या फिर नहीं आता था या बाद में रिप्लाई करता था, ये उसकी ड्यूटी है सबको रिप्लाई करना कल शूट है कि नहीं। बाकी बहुत सारे कलीग्स ऐसे थे जो उसको नहीं करते थे, उसको मैसेज नहीं करते थे कि ठीक है वो नहीं कर रहा तो हमें क्या करना, ये उसका काम है हमारा काम नहीं। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये मेरा काम है, बिकॉज द थिंग इज कि इफ आई विल कम टू नो दैट टुमारो आई डोंट हैव शूट, आई विल डू समथिंग ऑफ माय एल्स, मैं कुछ और करूंगी, मेरा ऑडिशन करूंगी, कुछ रील्स बनाऊंगी, कुछ घर का काम करूंगी, कुछ है ना जो भी करूंगी। तो मैं हमेशा उसको पूछती थी एवरी सिंगल डे, ताकि किसी को हम लोग को कुछ नहीं मालूम पड़ता था आगे, मतलब हमको एक एक दिन बोल के टुमारो, जैसे पूछा मैंने आज, बोला कल छुट्टी, आज पूछा कल छुट्टी, ऐसे करके 20-20 दिन मैं घर पे रही। और जब किसी का, जैसे मैंने बताया मेरी बेटी का बर्थडे, तो उन लोग नाटक करते थे, या मैं बोला कि मुझे मेरे फादर की डेथ पे मैं गई तो मुझे वापस बुलाया, मेरे ब्रदर की डेथ पे जाने नहीं दिया, मेरे कजिन जीजा जी थे, मतलब उनकी डेथ हुई जब, उस टाइम पे मैं यू नो मैंने से जाने के बोलने गई तो नहीं 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 नहीं, नहीं होगा, नहीं जा सकते आप। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मेरी आई थिंक 12 दिन छुट्टी थी, मतलब वो 12 दिन मैं होकर आती, वो मेरी कजिन सिस्टर जो अभी भी है मेरे होम टाउन में, शी इज 39 ईयर्स ओल्ड विडो, उसके मैं कितना साथ दे पाती। मतलब ये सब ना इन लोग ये गलत कर्मा कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई। अभी भी मेरी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो अभी भी मुझे बोले जेनी हमसे गलती हो गई माफ कर दो, वट एवर भूल चुक माफ, आई विल टेक FIR बैक, जो भी मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया मैं ले लूंगी वापस। लेकिन आप एक तो गलत आपको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ, फिर आप मेरे को ये भी कर रहे हो कि नहीं मैं एक्सटॉर्ट करना चाह रही हूँ, उसमें भी आप मतलब ना बढ़ाते जा रहे और जबरदस्ती मेरे पे ब्लेम करते जा रहे, तो फिर तो मैं बहुत जिद्दी हूँ। अब तो मेरे को अपॉलोजी तो चाहिए, आप कुछ भी कर लो, अभी तो फिर आप मेरे को बोल रही हूँ ना, अगर आप मेरे को 5,000 करोड़ भी दोगे ना तो आई एम प्राइसलेस, यू कैनॉट बाय मी, बिकॉज जस्ट जो दिन आएगा जब मुझे वहां पूछा जाएगा, मैं जो चीजें वहां बोलूंगी ना कोर्ट में, तो इन लोग के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अभी मैंने वो बोला नहीं है सब मीडिया में, वहां पता चलेगा। तो FIR का क्या स्टेटस है, आपने कब किया था और उसका स्टेटस क्या है, उस पे क्या कुछ कार्यवाही हुई नहीं हुई? तो मैंने 24 मई को मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया था, 6.25 घंटा लगा था मुझे वहां, एंड उसके बाद से मुझे कल परसों, आज 1 तारीख है ना, आज 2 तारीख है, तो 31st को आई थिंक, हाँ 31st को शायद मुझे फोन आया था, बस इतना कि उन लोग का फोन नंबर चाहिए, दे आर नॉट रिप्लाइंग टू ईमेल, मतलब मैंने बस इतना मैंने वो दे दिया, बाकी और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मे बी दे हैव टू आस्क, दे हैव टू टेक देयर स्टेटमेंट आल्सो ना, करेक्ट, तब FIR रजिस्टर होगी, जो भी होगा प्रोसीजर आई डोंट नो, मैंने वो नंबर दे दिया। अभी आगे मुझे मालूम नहीं क्या आगे क्या हुआ, आई एम जस्ट वेटिंग, माई लॉयर सेड जस्ट वेट, अपन सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने को कोई जल्दी नहीं, करने दो, मेरे पास तो अभी दुनिया भर का टाइम है, मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो जो जब बोलेंगे मैं चले जाऊंगी, और
मुझे भगवान का गाइडेंस यही आ रहा है कि जस्ट कीप गोइंग, सो आई एम डूइंग दैट। एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि लोगों के पास प्रूफ होता है, व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस जो रिवील कर देते हैं, आप बड़े धैर्य के साथ सब कुछ रखी है अपने पास, कुछ उम्मीद के साथ ही रखी होंगी, एंड आई एम श्योर आपके पास काफी प्रूफ्स होंगे। मैंने बाकी लोगों से भी बात किया तो सबने यही किया कि हमारे पास बहुत प्रूफ है प्रूफ करने के लिए, तो ये धैर्य कहाँ से आ रहा है और कब तक रहने वाला है? इतने साल 15 साल इतना सहा है ना प्रताड़ना कि अभी पेशेंस ही हो गया, मतलब पूरे लाइफ में इतना पेशेंट यार। ऐसे ऐसी चीजें सही है यार कि अभी ये तो कुछ भी नहीं, अब तो ये मुझे मालूम है कि विक्ट्री तो मेरी है ही, दुनिया में कुछ भी हो जाए, दिस आई नो फॉर श्योर। बस यही है समवेयर सी आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई एम सीइंग द होल पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ हायर पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो, कि सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो, सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, वहां सोहेल के भी दो प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जतिन इज ऑल्सो वेरी गुड, ऐसा कुछ वो नहीं, उसने ये जो लास्ट में जो गेट बंद किया और दरवाजा बंद करा दिया, मुझे निकलने नहीं दिया और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया, ये उसने गलत चीज की। आशीष जी ने जो भी बोला, जो उन्होंने जब ये सब रिमार्क्स किए थे मुझे, और बहुत बार, और तब से आशीष जी ने जब सिंगापुर में मुझे ये सब बोला था 2019 में, उसके बाद से वो मुझसे रुखे थे, मतलब वो हेलो भी हंसके नहीं करते थे। नेचुरली मुझे समझ में आता था कि इसलिए नहीं कर रहे हैं ये, कि यू नो ये ऐसी वाली बात है कि इनको मालूम है कि ये जो भी छिड़ गए हैं कि मेरे को इसने ऐसा ये किया या बोलना दे, जो भी लगा होगा, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि यार नेचुरली मेरा घर भी चल रहा था, पैसे की भी जरूरत थी, बहुत सारी चीजें थी, एंड डर लगता, सबसे बड़ी चीज डर लगता था। आप रे ये सब बोल रहे हैं, मैं किसी को बताऊंगी कोई क्या सोचेगा, यू नो, सही बात है। मैंने जैसे अभी मैं ऐसे तो कोई कमेंट्स पढ़ने पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था जो मुझे थोड़ा सा हर्ट किया कि क्या जेनिफर को नहीं मालूम है कि इस लाइन में ऐसा कुछ होता है, ये सब कुछ चीजें होती हैं, और ये क्या एकदम दूध की धूली है कि ये सब चीजें हो रही हैं, एंड शी इज लाइक यू नो उसको मालूम ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू, आज 2004 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट लाइक इट्स गोइंग टू बी यू नो 20 years आई एम इन दिस लाइन, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा, इवन जो मेरे साथ कुछ लेडीज आर्टिस्ट भी थी उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेजर क्या, थोड़ा बहुत तो ऐसा अगर वो हुआ तो वो कोई अपना स्टैंड लेता, कोई कुछ बोलता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि फिल्म लाइन है तो यहाँ पर आपका यू नो लोग आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करेंगे या आपको कास्टिंग काउच करेंगे या ये वो, कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि मेरे साथ ये मैं जरूर बोलूंगी कि जब मैं शुरू में आई थी तो मैं जैसे ही बोलती थी कि मैं सबसे पहले बता देती थी आई एम मैरिड। मुझे 3 बार सुनने मिला है बड़े बड़े लोगों से, ऐसा तुम बोलोगे तो तुमको कभी भी काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा मत मिलने दो, बोले दाल रोटी खाना पड़ेगा, मैंने कहा खाऊंगी, मुझे दाल रोटी पसंद है। तो शायद इसके कारण ही कह लो कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। ओवरऑल हम सब जितने आर्टिस्ट हैं हम लोग फैमिली जैसे हैं वहाँ, जेन्युइनली सब कोई एक दूसरे को नहीं करते हैं कि ना फोन या मिलना जुलना बाहर ऐसा जी, लेकिन कुछ हम फीमेल आर्टिस्ट में बहुत बॉन्डिंग थी, बहुत मस्ती थी, हम लोग कॉन्टेक्ट में रहते थे एक दूसरे के सब कुछ, लेकिन प्यार है लेकिन यूनिटी नहीं, एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होना, दोस्त टू अ डिफरेंट थिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हम मुझे भी नहीं मालूम था कि बाकी लोगों ने क्यों छोड़ा। अब जब शैलेश जी ने छोड़ा था तो मैंने शैलेश जी को फोन किया था 2 बार, मैंने उनको मैसेज किया 2-3 बार कि सर आ जाओ आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, शो अब शो आपके बिना अधूरा है ये वो। मैंने बोला नहीं जेनी, अभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अभी मुझे नहीं मालूम उनके साथ क्या हुआ, बट आई एज अ कलीग फेल्ट इट इज माई ड्यूटी। ऐसे ही मुझे भी बहुत लोगों ने फोन किया जब मैं नहीं थी कि अब तुम आशीष जी को अपना वर्जन सुनाओ, मैंने कहा मुझे नहीं सुनाना, माय एंजल्स आर टेलिंग मी नो यू हैव टू कीप क्वाइट, आई एम डूइंग दैट, आई एम स्टिल डूइंग व्हाट आई एम बीइंग गाइडेड। इतने चेहरे रिप्लेस हुए आज तक, दया नहीं रिप्लेस हो पाई और ना ही वापस आए, वो रिप्लेसेबल है। वो उसके जैसी कहाँ मिलेगी यार, उसके जैसी लड़की दुनिया में हो नहीं सकती यार। मतलब हम दोनों 5 साल वैनिटी शेयर किए हैं दिशा और मैं। अच्छा, दिशा मैं और नेहा हम तीनों जन वैनिटी में रहते थे, एंड शी इज द मोस्ट कोऑपरेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल सोल ऑन अर्थ, एंड मतलब ऐसा होता था कि हमारा फिक्स था कि एक बेड नेहा का है, क्योंकि डबल वैनिटी होती थी, एक बेड नेहा का है, एक बेड हम दोनों का है,
कल से ऐसा होता था कि अगर मुझे लेटना है वो बैठ जाती थी, नहीं 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 जेना तुम लेटो लेटो, मतलब दिशा तू लेट तू लेट, तू सुबह से वॉट एवर, नहीं 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 मेरा जूड़ा खराब हो जाएगा करके वो कुर्सी पे ऐसे ले बैठे बैठे ना सोती थी, ऐसे से घूमती थी। उसके तो 30-30 दिन शूट होते शुरू में, और सबसे पहले आती थी सबसे लास्ट में जाती थी, हमेशा इतनी मेहनत की, फिर भी वो कोई भी फैन को मना भी नहीं करती थी फोटो के लिए ऑटोग्राफ के लिए, हमेशा उसने किया है, कोई इंटरव्यू के लिए मना नहीं करती थी। मैं उसको हमेशा बोलती थी दिशा मैं अगर तेरे जैसे 10% भी बन जाऊं ना प्रोफेशनली मैं बहुत आगे जाऊंगी। मैंने कहा मेरे में तेरे जैसे ऐसा नहीं है दिल यार, तू बहुत गजब की लड़की है। तो वो बोले अरे नहीं जैना, बहुत सारी चीजें तब भी होती थी, वो भी हमेशा बोलती थी चलना छोड़ना जैना जाने दे ये सब इतना, मतलब ना हर चीज को ऐसा लेट गो करती थी, इतना क्यों होगा। तो नेचुरली शी इज इररिप्लेसेबल। इन लोग ने ऑडिशंस बहुत सारे लोगों के लिए है लेते रहते हैं, लेकिन उसके जैसे मिलना थोड़ा यू नो डिफिकल्ट है। एक लड़की तो कितनी बार फाइनलाइज होके हो गई, बेचारी को कितनी बार दिल्ली से बुला के ऑडिशन लिया 2 साल से, कितनी बार, एंड शी इज 100% दया, 100% शॉक हो गया। हमारा मॉकशूट भी हुआ उस लड़की के साथ, हमारा हुआ है, दिलीप जी को है, बच्चों का हुआ है, ऐसा सब हुआ है, लेकिन एज डिफरेंस है, वो बहुत छोटी है उसके कारण जो भी, और ऊपर वो लड़की को कितनी उम्मीद होगी बेचारी 2 साल से आती ऑडिशन दे रही है। पर ठीक है वो लक वाली बात है जो भी है, मैं तो ये बोलूंगी अच्छा है भैया ना आए, तू बची है, तेरा कर्मा अच्छे होंगे इसलिए तू नहीं आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना बीमार भी पड़ गए आप, हाउ डू यू मैनेज मेंटल स्ट्रेस स्पेशली, इट्स नॉट इजी। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी चेतना, बिकॉज जब ये 2018 अक्टूबर 2018 में ये सब मेंटल हैरेसमेंट स्टार्ट हुआ, मार्च 2019 में ये आसिफ जी ने सेक्सुअल बातें बोली, फिर और कुछ थोड़ी बातें हुई जो उनने मेरा सोहेल ने मेरा पेमेंट रोका, मेरा हाफ पर डे कट किया, चिल्लम चिल्ली किया, दबाया धमकाया, मैंने छोड़ने के लिए बोला मुझे मना कर दिया गया। मैं रोज घर आके ऐसे ना 3-3, 4-4 घंटा लाइट बंद करके बैठे रहती थी, रोज रोती थी एवरी सिंगल डे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला, ये बात है 2019 की बात है, उन्होंने मेरे को बोला जेनी तुम ना पागल हो जाओगी, तुम ना क्या कर रही हो यार, रोज आके 3-4 घंटा रोती हो, तुम क्या कर रही हो यार, डू समथिंग। तो मैंने उसको बोला था चलो खंडाला चलते, बोले खंडाला वंडाला ऐसे कोई कुछ नहीं होगा 2 दिन में, डू समथिंग परमानेंट। तो दैट टाइम उनने उस जस्ट रेकी सीखी थी, तो उनने किसी का उनने जिससे 3 जन का उनने ये फोन कॉल रिकॉर्ड किया था जिनसे रेकी कर, तो मैंने उनने बोला कि जेने इनसे बात करो पूछो। तो एक जिससे मैंने बात की मुझे इतनी अच्छी वाइब्स फील हुई, एंड द मोमेंट आई गॉट अटैच्ड टू हर, हर नेम इज मनीषा लोमाश, मैं उनको गुरु मानती हूँ, शी 10 साल छोटी है मुझसे लेकिन वो मेरी गुरु है। उसने मेरी लाइफ बदल दी, उसने मुझे ये, मैं रेकी मैंने उनसे सीखी है, मैंने उनसे एक्सेस सीखा है, मैंने उनसे एंजल्स कार्ड रीडिंग सीखा है, बहुत बार उनसे हीलिंग करवाई है एंड बहुत बार काउंसलिंग ली है, बहुत चीजें, मतलब वो ऐसे मेरे को हील कर देती थी, नॉट इवन मी, इवन प्रिया यूज टू प्रिया की लाइफ में बहुत चेंजेस लाई है, वो प्रिया भी उसके पास जाती थी, मनीषा ने उसको भी बहुत हीलिंग का ये किया, इवन इन दैट केस सोनालिका भी जाती थी माधवी, वो उसने भी मनीषा से रेकी सीखा है एंड बाकी उसने एक्सेस जो हम करते हैं वो सब कुछ करवाया है। तो ऑल थ्री ऑफ अस यू नो, मैं तो उसको गुरु मानती हूँ। तो ये है कि वो जो स्टार्ट हुआ, शुरू का कुछ टाइम बहुत डिफिकल्ट था कि बिकॉज यू नो वो इतना भरा था इतने सालों का, धीरे 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 बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो चीजें निकलती गई, रेगुलर रेकी करना, मतलब उन्होंने जैसे मुझे बोला था कि 40 डेज रेगुलर रेकी करो, 40 डेज नहीं 90 डेज रेगुलर रेकी करो, 1 घंटा रोज, यू विल बिकम रेकी एंड यू जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड वो हो गया लिटरली, आई डिड फॉर 40 डेज 90 डेज। तो ऐसे करके जो ये सब स्पिरिचुअलिटी के कारण यू नो इस तरीके से अगर जैसे मैं कहा जाए तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन वॉज द बेस्टेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मोस्ट ब्यूटिफुल, आई लव्ड इट, इससे सुंदर टाइम मेरी लाइफ में नहीं था। तो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैंने वैसे मेडिटेशन करती थी, 2-3 घंटा सोती थी मैं, लेकिन रोज सुबह मुझे डाउनलोड्स होते थे, डाउनलोड्स मतलब वी गेट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, बहुत सारी चीजें यू नो इंट्यूशन होते थे, बहुत सारे
एंजल्स विजिट होती थी, बहुत लाइट्स मेरे पास आती थी रात को, ऐसे सम एंजल्स फेरीज आती थी मेरे पास, कोई पागल समझेगा सुनने वाले, ठीक है, माय एक्सपीरियंस, बट वो सब चीजों ने लाइफ मेरी चेंज कर दी, यहाँ तक कि मैं फिर मुझे फोर्स किया गया यूनिवर्स के थ्रू कि हीलिंग करो भी तुम, यू आर नाउ हील, नाउ यू बिकम अ हीलर. सो आई स्टार्टेड हीलिंग, आई स्टार्टेड यू नो टेकिंग काउंसलिंग. अभी तक मैंने कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था. अच्छा. मैं मेरा करूँ, मतलब दूसरों का करने के लिए भी टाइम चाहिए ना. आई यूज टू डू कार्ड रीडिंग, आई सेंड रेकी, अभी भी करती हूँ मैं, जो कुछ मेरे क्लोज जो है उन लोग का ही करती हूँ. बट अब तो मैं टोटल फ्री हूँ, तो मे बी इन सम टाइम आई हैव टू डू दिस फुल टाइम, क्योंकि ये जरूर है. मैंने जो सबसे बड़ी चीज मैं अगर बोलूंगी, चेतना जो मैंने कमाया है, कि जैसे 2007 से मैं बुद्धिज्म में हूँ, निश्चरण दर्शनन बुद्धिज्म, आई प्रैक्टिस निश्चरण दर्शनन बुद्धिज्म, आई चैंट, और उसके थ्रू मेरे को बहुत सारी चीजें मैंने अचीव की है, मटेरियलिस्टिक इमटेरियलिस्टिक. तो उस टाइम पे जो मुझे उससे जो मुझे स्ट्रेंथ मिला है, आई वेंट टू अदर थिंग्स ऑफ यू नो स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे लाइफ में. जो बुद्धिज्म के टाइम पे मैं जब उन लोग को किसी को भी एनकरेज करती थी, तो हम लोग होम विजिट्स बोलते हैं उनको, किसी के घर जाके उनको एनकरेज करनी. अभी सपोज पूछा कोई फ्री है मेंबर, क्या उनके घर गए, वन टू वन बात की, पता चला उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है. तो जब जब मैंने किसी को एनकरेज किया है, इट इज लाइक आई कीप ऑन स्पीकिंग, इफ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी आई टॉक फॉर ऑल, दो तीन घंटा कम निकल जाता पता नहीं चलता. एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक मुझे फोन करके थैंक यू बोलते हैं कि जेनिफर तुमने हमारी लाइफ चेंज कर दी, तुम हमेशा हमारी प्रेयर्स में. उस दिन अगर तुम नहीं होती तो हमारा पता नहीं क्या होता. मतलब एक दो जन ऐसे हैं जिन्होंने बोला था वी वर गोइंग टू कमिट सुसाइड, अगर तुम लोग होती तो सुसाइड कर लिया होता. एंड दैट इज द प्लेस वेयर आई फेल्ट आई हैव टच समवन, सम सोल. एक सोल को तो बचाया मैंने, कुछ तो किया लाइफ में. पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा नहीं ले जाना अपने को, घर बार नौकरी कुछ नहीं ले जाना है. जो है अपने संस्कार और अपने यू नो जो हम लोग कर रहे हैं कर्म, यही ले जाना है. तो करें अच्छा कर्म, पता नहीं यार कौन सा दिन लास्ट हो. आज की रात अगर मेरी लास्ट हो तो मैं कम से कम ये सोचूं कि मैंने किसी को लाइफ को टच किया, कोई सोल को टच किया, किसी को हीलिंग दी, किसी को कुछ किया. आई एम नो वन टू हील, दे व्हेन दे हैव, व्हेन दे आर रेडी, यू नो बोलते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स. तो जब स्टूडेंट वो रेडी होता है हीलिंग के लिए, तब अपने आप यू नो दे अट्रैक्ट मी एंड आई टेल देम. जैसे मैं रेडी थी तो मैंने मनीषा को अट्रैक्ट किया ऐसे. दैट्स नाइस. तो अभी फ्री हैं और इतने सारे टैलेंट हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? ये केस विस तो चलता रहेगा, बस एज एन एक्ट्रेस व्हाट इज नेक्स्ट? ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं है क्योंकि जेन्युइनली आई एम एंजॉयिंग दिस. अच्छा, 15 साल बाद ऐसा लग रहा है ना, जेल से छूट के आई हूं मैं. हाँ. और ऐसे थोड़ा तो अभी शांति से रहना है. मैंने अभी सोचा कि दो तीन चार महीने तो कुछ नहीं करूंगी, कुछ छोटा मोटा आया तो आई विल सी, या कुछ अच्छा बहुत अच्छा ऑफर आया तो देखी जाएगी. लेकिन अब डेलिबरेटली आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट चिल अ बिट. एंड मेरा बहुत टाइम स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीजें बाकी हैं, जो मेरे को एक वर्कशॉप करना है वो बाकी है, तो आई विल फोकस ऑन दैट. आई वॉन्ट टू गो यू नो, अभी जैसे मेरे होम टाउन रह के आई हूँ, अभी मैं एक दो बार मुझे और जाना है वहां पर. मैंने जैसे अभी कुछ एक प्रोजेक्ट का वो किया है, आई हैव टू गो देयर अगेन. तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर से. तो द थिंग इज के पहले तो टाइम ही नहीं रहता था जाने का, अभी आई विल डिक्लेयर क्योंकि आई एम अवेलेबल टू वर्क देयर ऑल्सो, बिकॉज एमपी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, दे वॉन्ट मी. मुझे कुछ कोई एक प्रोजेक्ट अभी मेरे पहचान के थ्रू आया है, तो आई विल बी डूइंग दैट. छोटा छोटा करती रहूंगी, मतलब आई कीप डूइंग छोटा मोटा कोलैबोरेशन, ये वो ऐसा सब होता रहता है बहुत सारी. अभी तो एट प्रेजेंट सब मना कर रही हूँ, अभी तो भर गया, मतलब इतने काम से ना, यू नो इतने लोग चाहते हैं कोलैबोरेट करना, ये वो अच्छे पैसे देना देके, लेकिन मुझे अभी मेरा वो अकाउंट इंस्टा का ये वो भरना नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू नो चिल, ठीक है, जो होगा जब टाइम पे होगा. एंड जो भी अभी लिखा होगा अच्छे से, सो मे बी कुछ शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, लाइक मयूर और मैं, हम लोग ने एक लॉकडाउन में शॉर्ट फिल्म बनाई थी स्माइली चेक करके, जिसको काफी सारे 7 अवार्ड्स मिले थे, मैं और लिकी शर्ट्स ने. तो मयूर स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, सो ही इज एन एक्टर आल्सो, द एक्टर वाज स्क्रिप्ट रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया. तो मे बी विल अभी तो घर पे है ना, अभी तो अच्छे से अपना घर, अभी हम दोनों एक लाइन से, तो वी नो कंटिन्यूटी कहाँ कैसे क्या. मे बी विल मेक सम शॉर्ट फिल्म, है हमारे दिमाग में दो तीन आइडिया, तो वो सब करेंगे, ऐसा कुछ अपना ही देखेंगे. तो बताइए, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे, अपने सपोर्टर्स को क्या कहेंगे, और अपने हेटर्स को क्या कहेंगे, सबके लिए?
पहले मैं बोलूंगी कि हेटर्स को कि जो बोलते हैं ना कि इफ यू हेट मी आई एम इन योर माइंड एंड जो जो मेरे को प्यार करते हैं इफ यू लव मी आई एम इन योर हार्ट. तो दोनों तरीके से जीत तो मेरी है. जो हेटर्स के लिए आपके दिमाग में मैं हूँ और जो मेरे को प्यार करते हैं उनके मैं दिल में हूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट देखो हम जो भी हैं तारक मेहता की वजह से मैं जो भी हूँ तारक मेहता की वजह से हूँ. पिछले 15 साल में जो भी मैंने किया है नेम फेम एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ तारक मेहता. आई एम वेरी थैंकफुल. आज भी लोग नेचुरली रोशन के नाम से जानते हैं मिलते हैं. हालांकि अभी आफ्टर दिस एपिसोड बहुत लोग जेनिफर के नाम से ज्यादा जानने लगे. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स खास पढ़े नहीं है लेकिन इतना मुझे हमेशा जितने लोगों ने इंटरव्यू लिया उनका कहना है कि बाहर आग लग गई एकदम यू नो एंड लाइक 95% पीपल आर टुवर्ड्स यू. मैंने कहा बाप रे मेरे को तो सोच भी नहीं सकती मैं. मैं तो कमेंट्स पढ़िए ना जो मैंने आपको वीडियो भेजा आप उसके कमेंट्स देखिए. मुझे डर लगता है सब. नहीं बिल्कुल नहीं, सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको और सब आपकी आप सिर्फ आपके नहीं बल्कि जो लोग आपकी सपोर्ट में आए ना उनके भी आप कमेंट्स पढ़िए. मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ. अच्छा तो मतलब मुझे एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड ने मना किया कि मत पढ़ना दीदी कमेंट्स. आप एक भी पढ़ोगे ना एक भी कमेंट तो मैं बहुत थोड़ा आई एम एन एम्पैथ आई जस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी कमेंट ऑल ना तो मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा. होता है थोड़ा सा मेरा बट मैं जरूरी सपोर्टिंग यू. हाँ आई नो मुझे सब वही जितने रिपोर्टर्स ने बोला ना कि जेनिफर एवरीवन इज सपोर्टिंग यू एंड एवरीवन इज सेइंग यू आर सो ब्रेव यू आर सो करेजियस. मैंने कहा यार ये जेन्युइनली ये ब्रेव मुझे बना दिया यूनिवर्स ने. करेज मेरे हस्बैंड ने मुझे जो चाबी मारी के कर तू तेरे को जाना है पुलिस स्टेशन तेरे को सब करना है लेकिन इट्स यू यू हैव टू हैज टू डू. आई एम देयर टू सपोर्ट यू मेंटली एंड इमोशनली बट यू हैव टू गो फिजिकली. उनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती. तो जो फैंस है ऑफकोर्स आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड आई लव यू ऑल एंड आई एम देयर बिकॉज ऑफ यू ऑल. एंड इतने साल में आपको कहीं भी लगता होगा कि मैंने कहीं भी आपको थोड़ा भी आपके दिल को टच किया है या इस इंटरव्यू ने आपके दिल को टच किया. सी यू वी डू नॉट फॉर मी आई डू नॉट हियर समवन्स वर्ड्स आई फील द वाइब. अगर आपको मेरे इंटरव्यू देख के आपको जरा भी मेरी वाइब लगा है कि ये पॉजिटिव है यू नो कि अच्छा बोल रही है व्हाटएवर मुझे कोई मेरे चेतना मुझे बचपन से आज तक जितने लोग मुझे जानते हैं दे कॉल मी ऑर्गेनिक. बोले यार यू आर 100% प्योर. हाउ कैन यू बी सो प्योर. मुझे सोहेल बोलता था आप ना खुली किताब हो इनसाइड आउट सेम. बोले ये प्रॉब्लम भी है और ये अच्छा भी है. मैंने मुझे नहीं मालूम मैं नहीं बन सकती फेक. आप कुछ भी कर लो मैं नहीं बन सकती. आई विल कॉल अ स्पेड अब चाहे जो भी हो. बस ये है कि किसी को दिल नहीं दुखना चाहिए कोई ऐसी चीज से. ये भी जैसे मैं नहीं करना चाहती थी इसकी नेचुरली उनका दिल दुखेगा उनका नाम बदनामी होगी तीनों जन की. मैं नहीं चाहती थी बट उनने जबरदस्ती करके कराया. तो अभी ये है कि फैंस लोग के लिए ये कि अगर आप लोग को सच में ऐसा लगता है कि मैं सही राह पे हूँ तो प्लीज इसको सपोर्ट करिए जस्टिस के लिए प्रेयर करिए यू नो मुझे अच्छी एनर्जी दीजिए और मेरे को ये शक्ति मिले कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ यू नो. क्योंकि जब उस दिन मैं पुलिस स्टेशन होके आई मैं आके ड्रेन आउट हो गई. मैं 7 घंटे से मेरी बेटी को नहीं मिली खाना नहीं खाया है चक्कर आ रहा है सर दर्द हो रहा है 2 डिस्प्रिन खाई मैंने 1 घंटा लेटी हूँ तब जाके मयूर का भी ऐसी हालत हम दोनों गए थे. तो वो एक चीज थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना तोड़ देती है. तो सीधी से मैं तो यही चाहती हूँ भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि यार उन लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो इसको ऐसे ही खत्म कर दे यू नो. अगर वो इतना ही बोल देंगे कि भूल चुक माफ ठीक है आई अंडरस्टैंड बड़े प्रोड्यूसर हैं सबका ईगो होता है वो ऐसे ही बोल दे कि यार हो गया भूल चुक माफ आई विल फिनिश दिस थिंग हियर ओनली ना. आई होप आपके फैंस ने आपकी बात सुनी होगी और जैसे अब तक आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं आगे भी करेंगे और उनके सपोर्ट की वजह से आप आगे जाएंगी और केस भी जीतेंगी. थैंक यू सो मच जेनिफर एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की सिर्फ केस के बारे में नहीं बल्कि आपने काफी इंस्पिरेशनल बातें भी करी. थैंक्स उसके लिए डबल थैंक यू. थैंक यू चेतना थैंक यू इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. मैं एक चीज बोलूंगी कि आई एम रियली थैंकफुल टू मीडिया ईच एंड एवरी चैनल सबने मेरा बहुत अच्छे से करेक्ट चीज को सामने लाए इवन इन दैट प्रिंट में यू नो. एक दो बार जो मैंने बीच में गुस्से में बोला भी था तो मेरे को बहुत चटकी थी कि किसी ऐसी कोई गंदे से चैनल ने 2-3 गंदे गंदे वीडियो बनाए थे ये सब बोल के है ना आज जी और मेरे ऐसे रिलेशन हुए विच वॉज नॉट ट्रू. तो मुझे ये मैं बताऊंगी मुझे किसी का फोन भी आया था जो निकल चुके हैं अभी तारक मेहता में नहीं है कि तुम ये क्यों बोल रही हो उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए होने दो
उस आदमी को पता होना चाहिए ना, सबको पता होना चाहिए कि वो आदमी कितना गंदा है, तो ये मत बोलो कि तुम्हारे फिजिकल कुछ हुआ नहीं उनके साथ। तो मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ जो हुआ ही नहीं, तो क्यों बोलूँ? बोले नहीं, पर उस आदमी के खिलाफ ये तुम्हारे लिए पॉइंट है। मैंने कहा मेरे लिए पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को, मेरे लिए जो सच है वही बोलूंगी मैं। मैंने कहा मैं क्यों बदनाम करूँ, वहां उनके घर में उनकी बेटी उनकी बीवी है, मैं क्यों बदनाम करूँ? उन्होंने कोई स्टेट ऑफ माइंड में मुझे वो बोला हुआ, दैट वाज द फैक्ट। ओके, तो ये कि ये वाली चीज जो होती है ना, ये मीडिया ने इस चीज को बहुत अच्छे से पुटअप किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, और इवन इन दैट केस मालव, मोनिका और प्रिया ने भी जिस तरीके से चीजों को पुटअप किया है। मोनिका इज अ वेरी ब्रेव गर्ल, मतलब वेरी बिंदास, एंड आई रियली लव हर एटीट्यूड। मालव इज के सच के लिए वो खड़ा है, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मालव ऐसा करेगा। प्रिया इज माई डार्लिंग, तो हालांकि उसका भी कुछ कनेक्शन नहीं था इसमें, लेकिन वो आ गई। तो आई एम रियली थैंकफुल, एंड ऑफ कोर्स टू गॉड, टू ऑल द फैंस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।